वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पिछले 4-5 साल में दिसंबर एंड तक जाके सर्दी अच्छे से पड़ती थी, तो नवंबर में पड़ने से डिमांड अच्छी रही है और बल्कि नवंबर में काफ़ी अच्छा सेल भी हुआ है। बट ये नवंबर के बाद हम कहेंगे दिसंबर में जब ये किसान सर्दी अच्छी पड़ी है लेकिन किसान आंदोलन हुआ, उससे जो ट्रेन्स वगैरह पहले पंजाब से रुकी, बिल्कुल गुड्स मूवमेंट नहीं हो रही थी ट्रेन बंद होने से, प्लस जो अब रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, उससे जो मेन ट्रेडिंग सेंटर है या लुधियाना है या दिल्ली है, दिल्ली से नॉर्थ इंडिया की सारी स्टेट्स जो है केटर होती हैं हौजरी की, तो सारे बॉर्डर सील होने की वजह से, जैसे राजस्थान बॉर्डर भी सील है, यूपी बॉर्डर भी, पंजाब बॉर्डर भी, तो उस वजह से सप्लाईज का बहुत इशू है। अगर कस्टमर की डिमांड भी है तो गुड्स वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। सर्दी एडवांस पड़ी है, उसका बेनिफिट तो मिलेगा जी, क्योंकि सर्दी है और काम भी ठीक चलेगा। पर उसका एक अब शादियां खत्म हो चुकी है, शादियां खत्म हो चुकी है और हौजरी में ये नुकसान होगा। जो जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है ना, उसके कारण व्यापारी का ना माइंड भी चेंज हो चुका है। अब कम ले रहे हैं, हाँ व्यापारी अब माल कम ले रहा है, बिक रहा है थोड़ा थोड़ा बिक रहा है, रिटेल काउंटर में काम कम हो चुका है इस टाइम। बिजनेस नॉर्मली प्रोजेक्शन तो यही है, लास्ट ईयर से लोग 50-60% ही डिमांड लेके चल रहे हैं, बट सीज़न ख़त्म होते होते रिपीट्स हैं, कुछ डिमांड बढ़ी है। बट अब आगे चल के यही देखना होगा कि अगर किसान आंदोलन अगर जल्दी ख़त्म हो ताकि सप्लाईज टाइमली हो सके, क्योंकि विंटर का सीज़न बहुत शॉर्ट होता है, सेलिंग के लिए हमें 1 से 2 महीने ही मिलते हैं, अगर उसमें सप्लाईज नहीं टाइम से पहुँच पाती तो कंज्यूमर सीज़न के बिल्कुल एंड में परचेजिंग नहीं करना चाहता। जब बिल्कुल ठंड जोर पर होती है, पीक सीज़न होता है, उसी तरफ कस्टमर जाता है। बाकी ये है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव रहे, ज़्यादा लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन बनेंगी तो कंज्यूमर सेंटीमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है।